हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एस्टेट एग्ज़ाम 2023 को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले एक प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एस्टेट एग्ज़ाम की बात करूँ, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता कि इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको 6 या 7 महीने प्रिपरेशन करनी पड़े। इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप 30 या 40 दिन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 2021 में, इसके 3 लेवल होते हैं, तो मैंने ये 3rd लेवल के लिए दिया था, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो मैंने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था और मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की थी सिर्फ 20 दिन। 20 दिन की प्रिपरेशन से ही मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था। तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे एक्सपीरियंस की, तो मैंने दिया था पीजीटी कॉमर्स के लिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस पर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स, तो अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? 150 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 150 मार्क्स में से आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेने हैं। इस एग्जाम का यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि पहले से ही हमें कट ऑफ पता है कि 150 मार्क्स में से हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, 90 मार्क्स। तो आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ, उसी सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैं इन 150 मार्क्स की बात करूँ तो आपको जो 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे CDP के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज से आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो टोटल क्वेश्चंस होंगे 30 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज के मिलेंगे, 15 आपको इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं जर्नल, जर्नल पोर्शन से भी आपको कितने मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इस जर्नल पोर्शन में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। एक तो आपको हरियाणा की जीके करनी है, HR जीके, सेकंड आपको मैथ्स करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और थर्ड आपको रीजनिंग करनी है। तो 10 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के मिलेंगे, 10 आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद है आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके आपको टोटल मिलेंगे 60 क्वेश्चंस। तो ये है हमारे टोटल 150 का टोटल हमारे पास है। 150 में से 30, 30, 30, ये हमारे पास 3 अलग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या पोर्शंस हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। उसके बाद ज़्यादा जो वेटेज है 60 क्वेश्चन, वो हमारे सब्जेक्ट की है, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रांग हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। 60 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट के ही मिलेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप तैयार करो अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होने के बाद आप कर सकते हैं CDP, क्योंकि CDP इतनी मुश्किल नहीं होती। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इजी सब्जेक्ट है और इजीली आप इसके 30 में से 20 क्वेश्चन तो इजीली आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश और हिंदी, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम 10th क्लास में इंग्लिश और हिंदी को छोड़ देते हैं। 10th के बाद जो भी हम सब्जेक्ट लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, उन्हीं पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी को बेसिक सा तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनमें बहुत ज़्यादा डीप जाके, यूट्यूब से वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा,
वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जर्नल की अगर हम बात करें तो जर्नल में जो मैथ्स आता है 10 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो भी बहुत ईजी आता है, ऐसे नहीं बहुत हायर लेवल का आता है। ईजी लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है जिसको आप ईजिली क्लियर कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एज से रिलेटेड हो सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग भी आपसे ईजी पूछी जाती है, या तो अल्फाबेटिकल कोई भी मिसिंग फिगर होगी या न्यूमेरिकल कोई फिगर मिसिंग होगी, इस टाइप की रीजनिंग आपसे वहाँ पूछी जाती है। हरियाणा जीके भी आप YouTube से प्रिपेयर कर सकते हैं। हरियाणा जीके की मैराथन बहुत पड़ी है, YouTube पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मैराथन मिल जाएंगी 13-13, 14 घंटों की। उनको देख के भी आप इजीली 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन को ठीक करके आ सकते हैं। तो इसको आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है एग्ज़ाम का पैटर्न कि भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि भी एग्ज़ाम क्या क्या फॉर्मेट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं कॉमर्स को ही पढ़ाती हूँ दिशा क्लासेस पर। तो अगर आपको एस्टेट की प्रिपरेशन करनी है पीजीटी कॉमर्स के लिए तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की कि भी किन किन सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको पीजीटी कॉमर्स क्लियर करना है। तो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आप 11th क्लास पे आ जाओ। 11th क्लास का अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, उसके बाद 12th क्लास का अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, ये प्रिपेयर करने के बाद उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से आ जाते हैं, मार्केटिंग, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट IB, जिसमें हमारा GATT है, WTO है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैट के भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत बार, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बहुत रेयरली पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वाला, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, जो बेसिक्स हमारे सब्जेक्ट हैं 11th 12th के। उसके बाद BCOM में से हमारे पास ये सब चीज़ें होगी, मार्केटिंग हो गया, HRM हो गया, FM हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, स्टैट, ईको, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर आप तैयार करना चाहें तो 1-2 सब्जेक्ट, जैसे हमारे पास कंपनी लॉ का कुछ कंपनी एक्ट में से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जो नई चीज़ें कंपनी एक्ट में आई हैं, कंपनी लॉ से कुछ भी पूछ लिया जाता है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। ये तो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं बिजनेस के, मतलब PGT कॉमर्स के लिए, जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से तो ईजिली आप एस्टेट PGT कॉमर्स को क्लियर कर सकते हैं आपके फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। अगर आपको वीडियोस किसी भी टॉपिक पे चाहिए जो PGT कॉमर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दिशा क्लासेस पे एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। एक मार्केटिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, अगर आपको मार्केटिंग फिलिप कोटलर की बुक से कवर करनी है। 11th क्लास का अकाउंट्स की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, HRM की प्लेलिस्ट भी वहाँ आपको मिल जाएगी, और बिजनेस इन्वायरमेंट के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने दिशा क्लासेस पर कवर कर रखे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगे कि भी कॉमर्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे दिशा क्लासेस पर कवर करवाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।